जीवन की नई आशाओं के साथ ये खुशहाल किसान जो आप देख रहे हैं वे राजस्थान के सीकर और महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हैं। ये वही विदर्भ प्रदेश है जहां कुछ साल पहले किसानों की निराशा ने पूरे देश का सर शर्म से झुका दिया था, लेकिन आज यहां के किसानों ने अपना सर ऊंचा करके आत्मविश्वास और आत्मगौरव से जीना सीख लिया है। किसानों की साफल्य गाथा में सुनाई देने वाली ये विश्वास, साहस और आशा की झनकार ऐसे ही नहीं आई, उसकी बुनियाद में है गांधी जी और विनोबा भावे जी के ग्राम विकास के सपनों को वास्तविक रूप देने वाले श्री जमनालाल बजाज और कमलनयन बजाज द्वारा प्रेरित कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन KJBF और जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट JKBT की अथाग मेहनत और निष्ठा, अपार संघर्ष तथा स्वयं मेहनत करके उद्योगपति बनने वाले जमनालाल जी पर पूज्य गांधी जी और विनोबा भावे के विचारों का गहरा प्रभाव था। इन्हीं महापुरुषों से ही उन्होंने सीखा कि हम वास्तव में तभी आबाद माने जाएंगे जब इसका लाभ अंतिम छोर के आदमी तक पहुंचेगा, और जमनालाल जी ने ऐसा ही कर दिखाया। अपने दादाजी के जीवन मूल्यों और आदर्शों को साकार करने महाराष्ट्र के वर्धा और राजस्थान के सीकर जिले के आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान हेतु श्री शिशिर बजाज तथा बजाज परिवार ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। सन 2003 में वर्धा में स्थापित कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन और राजस्थान सीकर में स्थापित जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट आज वर्धा और सीकर विस्तार के ग्राम्य लोगों के प्राकृतिक संसाधन, कृषि, सामाजिक एवं आजीविका हेतु अनेक विध प्रवृत्तियां कर रहा है। ये गतिविधियां लोगों की सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित की जाती हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों की योजना तय की जाती है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के देओली, आरवी, कारंजा, आस्ती, समुद्रपुर, हिंगनघाट और सेलू तालुका के 700 और राजस्थान के सीकर जिले के धोद, पिपराली, लक्ष्मणगढ़ और दांता रामगढ़ तालुका के 300 गांव में आधुनिक कृषि और विकास लक्षी कार्यक्रम द्वारा अग्र बजाज फाउंडेशन और बजाज ट्रस्ट सीकर और वर्धा जिले के समस्याग्रस्त क्षेत्रों के सभी समुदायों को तकनीकी जानकारी और आवश्यक सहायता पहुंचाने का उद्देश्य रखता है। चिरंतर विकास के लिए बजाज फाउंडेशन और बजाज ट्रस्ट की मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार है: जल स्रोत का विकास और संचालन, मृदा एवं जल संरक्षण, चीर स्थायी खेती, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, महिला सशक्तिकरण, वैकल्पिक आजीविका के अवसर, क्षमता वर्धन और नेटवर्किंग, डिजाइन फॉर चेंज। जल स्रोत का विकास और संचालन, यदि वक्त पर और नियमित रूप से खेती के लिए पानी मिल जाए तो किसान को और क्या चाहिए। विदर्भ प्रदेश के किसानों में जल प्राप्ति की समस्या हल करने के लिए बजाज फाउंडेशन द्वारा तकरीबन 1960 कुओं का रिचार्जिंग, 2700 खेत तालाब, 207 किलोमीटर लंबे नाले, 135 नदी धाराओं का पुनरुद्धार, 91 चेक डैम, 1811 बोरी बंद, 1285 डीजल इंजन और 83 लिफ्ट इरिगेशन जैसे जल स्रोत को विकसित किया गया है। इसके बेहतरीन परिणाम आज किसान प्राप्त कर रहे हैं। आमच्या गावचा नाला गंदा होता, गंदगी होती, झाडे झुडप होते, पावसाळ्याच्या पाण्याची पुराची शेतीचं नुकसान होत होतं, जे आमच्या गावामध्ये पण पाणी घुसत होतं। बजाज फाउंडेशन मार्फत आम्हाला मदत मिळाली आणि आमच्या आम्हाला त्याच्यापासून बरेचसे फायदे अनुभवत आहे। बजाज फाउंडेशनमुळे हा तलाव माझा झाला तेव्हापासून माझ्या उत्पन्नात वाढ झाली। माझ्या उत्पन्नात वाढ होऊन जो माझा कर्जबाजारीपणा होता तो मिटला।
या पाण्याची माझ्याजवळ बजाज फाउंडेशनने सोय केली नसती तर मी बाकीच्या शेतकऱ्यांसारखी आत्महत्या केली असती. चेक डैम बारिश और पानी संग्रहित कर मिट्टी को बहने से रोकते हैं. बजाज फाउंडेशन ने लोक सहभागिता से बनाए चेक डैम की वजह से भूगर्भ जल स्रोत रिचार्ज हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के कुओं के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है. इसके अलावा जल स्रोत से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विस्तार के किसानों को जल प्राप्त हो सके, इसके लिए लिफ्ट इरिगेशन और डीजल इंजन का सफल प्रयोग किया गया है. अगोदर नहीं का एक समझा उत्पन्न घेतो तो आता दोन कि तीन समझा उत्पन्न गेलेला आहो. आता जवळपास तीन तीन महिन्याचे साढ़े तीन महिन्याचे एक एक समझा लावत राहतो. मक्का ज्वारी असं कांदा वगैरे अगोदर काही हा जे काही समजा नाही का हे जे आहे आता उत्पन्न होत आहे ते समजा नाही अगोदर काही तेवढं नाही का होत नव्हतं. आवश्यक जल प्राप्त होने से अब सिंचाई के दर में वृद्धि हुई है. जो जमीन बंजर जैसी थी वहां आज किसान बागवानी और फलों की खेती करने लगे हैं. जहां साल में एक बार मुश्किल से फसल होती थी वहां आज किसान दो से तीन बार फसल लेने लगे हैं. पशुओं को भी आसानी से चारा तथा पानी मिलने की वजह से पशुपालन का दर भी बढ़ा है. दूसरी तरफ साल भर जहां जरूरत की मात्रा से भी कम बारिश होती है और जहां पानी का घोर संकट बना हुआ है, ऐसे राजस्थान के सीकर जिले में पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल करने हेतु बजाज ट्रस्ट द्वारा यहां परिवार को पूरे साल पीने का साफ पानी मिल सके, इसलिए बरसात के पानी को जमा कर सकें ऐसी 726 पानी की टंकियां बनवाई हैं। हमारे क्या यहाँ पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, फिर हमने क्या है टांका बनवाया, इसमें छत का पानी इकट्ठा हो जाता है तो पीने के लिए हमारे को शुद्ध जल मिल रहा है, एकदम पानी की बिल्कुल परेशानी मिट गई है. साथ ही साथ स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी माइक्रो इरिगेशन पद्धति द्वारा उपलब्ध जल राशि का कार्यक्षम उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है. चीर स्थायी खेती. भारत में खेती ही आजीविका का मुख्य साधन है. पारंपरिक रूप से खेती करने में मेहनत ज्यादा लगने के साथ साथ पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं और उत्पादन कम होता है. फलस्वरूप कई किसान आर्थिक बोझ तले दबे हुए हैं. इस विष चक्र से उन्हें बचाने के लिए बजाज फाउंडेशन द्वारा आधुनिक और शाश्वत खेती की कई प्रवृत्तियां चलाई जाती हैं, जिसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, वाड़ी कार्यक्रम, समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प और उत्तम कपास निर्मित कार्यक्रम मुख्य हैं. ट्रॅक्टर या वस्तूची खूप आवश्यकता होती. एकही ट्रॅक्टर आमच्या गावामध्ये होता नाही. त्याच्यानंतर आम्ही जे गटातले सदस्य जवळपास 15 लोक तर यांनी आम्ही असं करून ते बजेट टाकलं आणि आम्ही 3 मे 2014 या तारखेला आम्ही हे जे ट्रॅक्टर युनिट खरेदी केलं. सोयाबीन वगैरे पेराचं सीजन आलं होतं त्याच्यानंतर आणि त्याच्यानंतर आम्ही लगेच रोटावेटर वगैरे घेतलं. तर सुरुवातीला आम्ही मे 2014 जवळपास 2.5 लाखाचा आम्ही धंदा केला. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम में किसानों को खर्च कम हो और जमीन की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है. पानी की समस्या हल होने की वजह से आज किसान देशी गाय के गौमूत्र और गोबर से बने देसी खाद, जीवामृत और दशपर्णी अर्क का उपयोग अपनी फसल पर कर रहा है, जिसके उपयोग से जमीन में फसल उत्पादन बढ़ाने वाले मित्र कीटकों की वृद्धि हुई है और किसान को खर्च भी कम हुआ है. मार्केट में खुद जाकर फसल बेचने से आज किसान को काफी मुनाफा प्राप्त हो रहा है. कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन के माध्यम से मैं 2 साल से जीरो बजट खेती कर रहा हूं और उससे फसल की क्वालिटी अच्छी होती है और क्वालिटी के साथ साथ इसमें मार्केट में भी इसका काफी अच्छी डिमांड है. नेचुरल फार्मिंग फसल का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ दीमक तथा अन्य बीमारियों की संभावना को घटाकर जमीन को ज्यादा उपजाऊ बनाता है. 389 गांव के 16,607 किसानों को नेचुरल फार्मिंग कार्यक्रम से लाभ हुआ है. संकलित खेती अंतर्गत एक ही फसल उगाने की पारंपरिक पद्धति के बदले
विविध फसल उगाने की मिश्र पद्धति अपनाने से पूरी फसल नष्ट हो जाने की संभावना कम हो गई है। फलस्वरूप तुरंत आर्थिक फायदा कराने वाली बागवानी फसल के कारण किसानों को जल्दी तथा निश्चित आमदनी मिलती रहती है। बागवानी योजना और फसल परिवर्तन योजना अंतर्गत संतरे, आम, अनार और गेंदा फूल जैसी फसल लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस कार्य हेतु किसानों को तकनीकी एवं आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। उपरांत नाबार्ड संस्था के सहयोग से आदिवासी क्षेत्र में वाड़ी परियोजना का व्याप बढ़ रहा है। माझ्या इथं बजाज फाउंडेशन ने वाड़ी दिली आहे, आंबा दिला आहे, आवळा, निंबू हे वाड़ी दिली आहे। विहिरीले त्याने मदत केली आहे, विहिरीले पाणी चालू आहे। माझ्याजवळ 550 म्हणजे हजाराचं उत्पन्न आहे। आता आंब्यापासून म्हणजे पिंचन मला भेटणार आहे आणि माझे मी तर केलंच आहे पण माझे पुढं नातू यायला काहीतरी उत्पन्न भेटन आणि पिंचन त्याला चालू होईल। वाडी परियोजना अंतर्गत बंजर जमीन को भेज संरक्षण द्वारा उपजाऊ बनाकर उसमें आंतर फसल बोई जाती है। सीकर राजस्थान और वर्धा महाराष्ट्र के तकरीबन 12,455 किसानों ने इस योजना की सहायता से अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। इसी तरह राजस्थान सीकर के कुछ किसानों के पास बहुत ही कम खेती लायक जमीन और पानी है। बजाज ट्रस्ट द्वारा उन्हें लटाण यानी कि मंडप खेती से सब्जियों की उत्तम फसल लेने के उपाय सिखाए जाते हैं। मुझे बजाज ट्रस्ट के माध्यम से जानकारी मिली कि मिनी ड्रिप लगाकर इसमें खेती की जा सकती है, तो इसमें मैंने लटान खेती शुरू की जिसमें लौकी की फसल ली मैंने पहले। इस लौकी की फसल में मुझे 25,000 रुपये की इनकम हुई। सब्जियां, दूध एवं फलों को ज्यादा दिनों तक तरोताजा रखने हेतु बजाज ट्रस्ट द्वारा यहाँ कई किसानों के वहाँ बिना बिजली के काम करने वाला ग्रामीण फ्रिज का निर्माण भी करवाया गया है, जिससे किसानों की काफी समस्याएं हल हुई हैं। उपरांत राजस्थान के सीकर में बजाज ट्रस्ट द्वारा टिम्बा यानी कि बिल्कुल अनुपयोगी 952 एकड़ पड़तर जमीन का समतलीकरण किया है, जिसके बाद उसे खेती लायक उपजाऊ जमीन बनाकर उसमें फसल ली जा रही है, जिससे किसानों की प्रति एकड़ सालाना 50,000 रुपए जितनी आय बढ़ी है। जमीन उबड़ खाबड़ थी पूरी ही, जिसमें न चढ़ सकते थे न उतर सकते थे। मैं मेरी खुद की बता दूं आपको, मेरी जमीन भी लेवल हुई है तो मैं एक पाइप लेकर वहाँ चढ़ नहीं पाता था, 10 पाइप लेकर चढ़ जाता हूँ आज। और खेती भी होने लग गई है और मेरे परिवार का पूरा गुजारा लगभग उसी से, खेती से चल रहा है आज। महिला सशक्तिकरण और वैकल्पिक आजीविका के अवसर, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर विभिन्न प्रकार से उनका क्षमता वर्धन किया जा रहा है। उनमें बचत करते हुए तथा विभिन्न आय अर्जन गतिविधियां अपनाकर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता आई है। इन महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका के तौर पर देशी गाय के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहाय और तालीम दी जाती है। आमतौर पर पशुओं की संभाल का कार्य महिलाएं करती हैं और इसी वजह से उन्हें भी अर्थोपार्जन में सहायक होने का अवसर मिलता है। महिलाओं के 2,617 स्वयं सहायता समूह के आय स्रोत द्वारा तकरीबन 7,879 जरूरतमंद परिवारों को देसी गाय खरीदने के लिए सहाय दी गई है। महिलाओं के कार्य बोझ में कमी हो एवं पशुओं को सही समय पर पानी और चारा मिल जाए, इसके लिए बजाज ट्रस्ट सीकर द्वारा 253 ऑटोमेटिक पशु ठाण का निर्माण करवाया गया है। मेरे लगाने के बाद में एक तो मेरे को टाइम मिलने लग गई, बस पूरे दिन डांडा में लगी रहती तो घर का काम लेट हो जाती। एक तो ये फायदा हुई, एक बीमारी हूँ भाई है जो बार बार पानी कम पाने के लिए या टाइम नहीं मिलता ना पानी घना भूल भी जाता तो वो फायदा हो। और दूसरों यह है कि जो बेड़ा पशु है तो वन अपने आप जब तो जरूरत हुआ वो पानी पीवा है और पीवा भी से दूध को भी फायदा हुआ लगा। इसके अलावा अपनी जमीन न हो ऐसे परिवारों को वैकल्पिक आय के तौर पर दाल मिल,
अगरबत्ती व्यवसाय और बैग बनाने के हेतु आर्थिक सहाय तथा मार्गदर्शन दिया गया है। माझा गट त्रिरत्न महिला बचत गटाची मी अध्यक्ष आहे आणि या गटाला कमल नयन जमनालाल बजाज फाउंडेशन यांचं मार्गदर्शन आहे। यांच्या मार्गदर्शना अंतर्गत मी आमच्या गटातील 8 महिलांनी आधी थ्रीफेज आटा चक्की घेतली आणि आम्ही दालमिल घेतली आहे आणि दालमिल आणि आटा चक्की असे आमचे असा आमचा उद्योग चालू आहे। कमल नयन बजाज फाउंडेशनला आम्ही आमचा गट जोडला आणि अशाच याच्यामधून मी अगरबत्ती व्यवसाय निवडला। मी रोज महिन्याचा 6,000 माल सेल करते, त्याला सेंटेड पण करते। कमलनयन जमनालाल बजाज फाउंडेशनकडून मला जी निधी मिळाली होती त्याच्यातून मी हा बिझनेस सुरू केला होता आणि त्याच्यातून मला भरपूर फायदाही झाला। कमलनयन बजाज फाउंडेशनचे मी आभारी मानते। एक उद्योगी महिला होण्याचं मला मान मिळाला। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। सफल पशुपालन के कारण वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बायोगैस की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन मिला है। पशुओं के गोबर का उपयोग बायोगैस में किया जाता है। बायोगैस की वजह से जलाऊ लकड़ियां दूर दूर से इकट्ठी करने में महिलाओं के समय और क्षमता का व्यय नहीं होता। मला हे मागच्या वर्षी गैस मिळाल्यापासून मला काड्या आणायची स्वतः रोजदार सांगावं लागत होता। कुपामध्ये काड्यावर हात घाला लागत होते। ते शेण आम्हाला वेस्टेड मिळते, ते शेतीला आम्ही वापरलं, त्याच्यामुळं आम्हाला कोणत्याच खत घेण्याची आवश्यकता पडली नाही। और बायोगॅस की वजह से ही धुआं विहीन रसोई घर मिलने से महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं का समाधान हुआ है। हाल में 598 गांवों में बायोगैस के 3,577 प्लांट बने हुए हैं। बजाज फाउंडेशन के चिरस्थायी विकास के प्रयासों में अब बच्चों को भी शामिल किया गया है। डीएफसी यानी कि डिजाइन फॉर चेंज प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चे अपनी आसपास की परिस्थितियां और समस्याओं को ठीक से समझें, उसे जांचें और खुद उसका सही समाधान निकालें, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। इसी प्रकल्प के तहत वर्धा की सलाई कला गांव की स्कूल के बच्चों ने पानी की समस्या हल करने हेतु बजाज फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बड़ा सा चेक डैम बना लिया, जिसका जिक्र श्री अमिताभ बच्चन द्वारा स्टार प्लस के आज की रात है जिंदगी पर भी हो चुका है। सालों पहले श्री जमनालाल जी बजाज ने आबादी का जो ख्वाब देखा था वो वर्धा जिले के कार्यक्षेत्र के गांवों के घर घर में आज साकार होता दिखाई देता है। उन्नति का ये प्रयास अभी भी चल रहा है। लोगों की आशा, विश्वास और साहस को देखते हुए लगता है कि जब तक उन्नति के उच्चतम परिणाम प्राप्त नहीं होंगे तब तक ये प्रयास यूं ही चलता रहेगा। उन्नति स्वयं की, उन्नति अपने गांव की और उन्नति अपने देश की।